हेलो एवरीवन, कैसे हो। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु वीलॉग्स। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। आपके लिए मैं इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ और यूट्यूब के रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स भी लाता रहता हूँ। और अगर आपने मेरे फ्रेंड टेक्नो बॉय अमन को भी नहीं सब्सक्राइब किया, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। उनका रेसिपी चैनल है, वो भी सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है गाइस, तो आज मैं आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है और किस टाइप की होती है, आप कैसे बाय कर सकते हो, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं क्रिप्टो करेंसी के। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। फॉर एग्जाम्पल, एक डिजिटल करेंसी होती है, एक होती है जो हमारे पास फिजिकल करेंसी होती है। ठीक है, फिजिकल करेंसी को हम टच कर सकते हैं, डिजिटल करेंसी को हमने ना कभी देखा है ना हमने कभी वो हमें फील कर सकते हैं, वो डिजिटल करेंसी होती है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी बहुत टाइप की होती है। जैसे आपने बिटकॉइन सुना होगा, बिटकॉइन बहुत ही फेमस है, बिटकॉइन लोग बहुत खरीदते हैं और इन्वेस्ट करते हैं इसमें पैसे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें आप वीडियो को जरूर देखते रहिए, आप बिटकॉइन भी खरीदना जान जाओगे कैसे खरीद सकते हैं। ठीक है, हालांकि इंडिया में ये बैन है और इलीगल है। इलीगल इसलिए होता है कि कई लोग ये डार्क वेब में यूज़ करते हैं और फ्रॉड के लिए यूज़ करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को मनी पहुंचाने में हेल्प मिलती है जो लोग डिजर्व नहीं करते, और गलत हाथों में पैसे भेजने के लिए, लाइक जैसे वीपन खरीदने के लिए, कुछ बंदूक पिस्टल वगैरह खरीदने के लिए, ऐसी चीज़ें खरीदने के लिए लोग क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि एक ब्लॉकचेन होता है, इंटरमीडिएट होता है। लोग ब्लॉकचेन का, जैसे मैंने आप अब्रॉड में पैसे भेजने हैं, मैं अगर डायरेक्टली भेजूंगा तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं ब्लॉकचेन के थ्रू भेजूंगा मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मुझे बस थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे, वो भी 0.25%। क्या होगा कि जैसे मैंने 1-2 लाख भेजना है या 40-50 हज़ार रुपये भेजना है, मैं 50,000 के बिटकॉइंस खरीद लूँगा और अपनी आईडी बनाई हुई होगी मैंने ब्लॉकचेन में उसका उस बंदे का एड्रेस ले लूँगा जैसे मैंने भेजना है, उस एड्रेस पे मैं बिटकॉइन भेज दूँगा, फिर वो वहाँ से पीयर टू पीयर करके वहाँ पे लीगल होगा बिटकॉइन, तो फिर वो वहाँ से विड्रॉ कर लेगा, उसके पास आ जाएंगे 48,000 रुपीज़, 2,000 रुपये कटेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे नहीं कटेंगे। पर यह इलीगल होता है और गवर्नमेंट ने इसे बैन किया हुआ है। ठीक है, तो बिटकॉइन का पहले प्राइस बहुत कम था, लेकिन आज के ज़माने में आज जो प्राइस चल रहा है वो है 2,77,000, और इसका हाईएस्ट भी 292 तक अभी गया है 2-4 दिनों में। ठीक है, मुझे लेटेस्ट इसके बारे में नहीं पता है। ठीक है, बिटकॉइन बहुत टाइप के होते हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया और लिटकॉइन हो गया, गैस हो गया, इथीरियम हो गया, नियो हो गया, बहुत सारे नियो हो गया, एन कैश हो गया, बहुत सारे कॉइन्स हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, इसका प्राइस एट अ टाइम हाई हो जाता है और एट अ टाइम लो भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 4,000 का बिटकॉइन खरीदा, या बिटकॉइन मतलब कोई कॉइन खरीदा, क्रिप्टो करेंसी खरीदी 4,000 की, आप श्योर नहीं हो सकते, उसकी वैल्यू गिर भी सकती है, आपका 4,000 2,000 भी बन सकता है, आपका 4,000 5,000 भी बन सकता है। ठीक है, वो डिपेंड आप पे नहीं करेगा, ना किसी को पता है कि वो कब बढ़ेगी कब गिरेगी, तो ये डिसाइड होता है, लाइक ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं ये इसे ट्रैक करते रहते हैं, वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं कि हाँ ये इसका करेंसी इसका आज डाउन है कल बढ़ जाएगी। मान लो जैसे अगर करेंसी इसकी डाउन है तो मैं 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करूँगा। ठीक है, 1,00,000 इन्वेस्ट करके मैं 1.5 लाख का प्रॉफिट कर लूँगा अगले दिन, 1.5 लाख मतलब 50,000 मुझे प्रॉफिट हो गया, तो वो मैं 50,000 विड्रॉ करके 1,00,000 कर लूँगा। तो आपको बाय कहाँ से करना है मैं बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं जैसे मैंने रेमिटानो एक वेबसाइट है और BitBNS एक एप्लीकेशन है, ये दो मतलब चीज़ें मुझे अभी तक फ़िलहाल मैंने यूज़ किया, मैंने बाकी वेबसाइट्स नहीं यूज़ किया, तो मैंने जो यूज़ किया मैं उसका रिव्यू देता हूँ। तो सबसे पहले आपको रेमिटानो में वेबसाइट बना लेनी है अगर आपने बिटकॉइन बाय करना है, उनके लिए मैं ये वीडियो बता रहा हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ। जिन्होंने नहीं बाय करना वो भी वीडियो देख सकते हैं फॉर इन्फॉर्मेशनल पर्पस, ताकि वो लोगों को बताएं। सबसे पहले आपको रेमिटानो की वेबसाइट पे जाना है, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, रेमिटानो की वेबसाइट पे जाओ और बिटकॉइन खरीदो। बिटकॉइन खरीदने के बाद क्या होगा कि साइन इन करो, सबसे पहले साइन अप करो, अपना अकाउंट बनाओ। अकाउंट बनाने में वो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, आपका आधार कार्ड मांगेंगे, आपकी फ़ोटो मांगेंगे। ठीक है, वो फ़ोटो अपलोड हो करने के बाद वेरीफिकेशन मांगेंगे, वो वेरीफिकेशन करेंगे आपकी 2-3 दिन में।
वेरिफिकेशन के बाद क्या होगा कि आप एलिजिबल हो जाओगे कि बिटकॉइंस आप खरीदने के लिए। उसके आगे फर्दर स्टेप आता है कि वॉलेट में सबमिट कराने पैसे, आप अपने फिर वॉलेट, आपको फिर अपने वॉलेट में सबमिट कराने पड़ेंगे पैसे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 40,000 के बिटकॉइंस खरीदने, सबसे पहले मैं अपने वॉलेट में डालूंगा, उनकी वॉलेट में अपलोड करूंगा अपने पैसे, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन आईडी से हो जाएगा। ये जो होते हैं ये एक्ट ऐसा इंटरमीडिएट करते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट कैसे करते हैं, जैसे मैंने पैसे भेजने, ये वेबसाइट है उसे पैसे लेने हैं, तो वो उतने अमाउंट डिडक्ट कर लेगा मेरे में से, ठीक है। तो वो डिडक्ट करने के बाद क्या है, उसे भेज देगा पैसे। तो इससे क्या होगा कि उसे भी फ़ायदा हो रहा है इंटरमीडिएट वाले को, और मुझे भी फ़ायदा हो रहा है, उसको भी फ़ायदा हो रहा है। इसके एडवांटेजेस ये है कि आप अब बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन इसके डिसएडवांटेज ये है कि हमें पता नहीं है कि ये कब प्रॉफिट देगा कब लॉस देगा, ठीक है। आपके पैसे आज डूब भी सकते हैं कल बढ़ भी सकते हैं। और BitBNS भी एक एप्लीकेशन है जिसे आप यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करना है वो बहुत सारी आपको YouTube पे वीडियोस मिल जाएंगे BitBNS के रिलेटेड, लेकिन मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको बिटकॉइन बाय करने चाहिए, क्योंकि बाई चांस अगर मैंने, मेरे साथ एक केस हुआ था कि मैंने 3000 के बिटकॉइंस बाय किए, तो बिटकॉइन बाय करने के बाद उसका प्राइस 2500 हो गया, तो मैंने कहा चलो 2500 हो रहा है, मैंने 500 का लॉस करा लिया, लेकिन मैं आगे से कभी बिटकॉइन ही बाय करूंगा। तो मैंने बिटकॉइन बेचे तो 2500 में से 2200 रुपीस मिला मुझे, सीधा सीधा 800 का लॉस हुआ। तो मैं रिकमेंड करूंगा बिटकॉइन ना बाय करने के लिए। मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में, मेरा मोटिव ये था कि आपको मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताऊं कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है और उसे यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको डिजिटल करेंसी यूज़ करने के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं आपका बेनिफिट चाहता हूँ। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे जरूर सब्सक्राइब करना और टेक्नो बॉय अमन चंदू को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।